आज का प्रेरणा पाथे हमारा आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य ईश्वर से जुड़ा हुआ है, अपने अस्तित्व की जानकारी से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि हम भीतरी जगत के अंदर गोते लगावें और अपने अस्तित्व की जानकारी करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसकी जानकारी करें। और ये चीज़ें कब आती है? जब हमारे भीतर दर्शन का जन्म होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है और वह कभी भी जो अपराध के कार्य है, मिलावट के कार्य है, आतंकवाद के कार्य है, लोगों को तंग करना, परेशान करना, वह नहीं कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य में समता की साधना होती है और व्यक्ति समस्त आत्माओं को आत्मतुलावत समझता है, अपने जैसी समझता है। इसीलिए जो है किसी के साथ वह बुरा जो है व्यवहार नहीं करता। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा साधन है कि हम भीतर जाकर के कायोत्सर करके श्वास प्रेक्षा करके और श्वास को शिथिल करके जब भीतर जाएंगे और आलंबन निरालंबन ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से हमें हमारे प्रभु के दर्शन होते हैं, हमें अपने अस्तित्व की जानकारी होती है। आध्यात्मिक सांस से सेल्फ रियलाइजेशन होता है और सेल्फ रियलाइजेशन जब कर दिया जाता है तो हमको वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ सारा कार्य होता है। और सबसे कठिन कार्य है अपने अस्तित्व की जानकारी करना और वह आध्यात्मिक स्वास्थ्य के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।